आईपीएल के रण में हर दिन एक से एक मुकाबले खेले जा रहे हैं, लास्ट बॉल थ्रिलर्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आईपीएल मिडवे यानी कि अपने स्केड्यूल के बीच में आ गया है। यहाँ पर कुछ टीमों की शुरुआत धीमी रही, कुछ टीमों की शुरुआत अच्छी रही और इसी की वजह से अब पॉइंट टेबल फंसता हुआ नजर आ रहा है। आईपीएल में कल रात हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को शिकस्त दी। इसके बाद पॉइंट्स टेबल और ज्यादा उलझ गया। पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि कौन प्लेऑफ्स की रेस तक पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने कल गुजरात टाइटंस को करारी शिकस्त दी, सिर्फ 4 रन से शिकस्त दी, वो टीम किस तरीके से प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक आईपीएल 2024 में 9 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें से उन्हें 4 में जीत मिली है तो वही 5 मुकाबलों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 8 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त पॉइंट टेबल में 6ठे पायदान पर है और उनका नेट रन रेट है -0.386 का है। दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में भले ही 6ठे पायदान पर नजर आ रही है, लेकिन 6ठे पोजीशन तक पहुंचना भी ऋषभ पंत की टीम के लिए इतना आसान नहीं था। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत इस सीजन बहुत अच्छी नहीं रही। पहले 5 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 1 ही मुकाबले में जीत मिली थी, जबकि इसके बाद जब हाफ फेज उनका पार हो गया तब इसके बाद उन्होंने अपनी असली लय पकड़ी और जीत के रथ पर वापस लौटे। पहले 5 मुकाबले में 1 जीत हासिल करने के बाद इन्होंने अगले 4 मुकाबले में 3 मुकाबले जीते, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स अब भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए एक दावेदार बनी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इस टीम के 5 मुकाबले फिलहाल बचे हुए हैं, यानी कि अभी इस टीम के 8 पॉइंट हैं और अगर ये अगले अपने 5 मुकाबले जीत जाती है तो इनको मिलेंगे और 10 पॉइंट, यानी कि टोटल हो जाएंगे 18 पॉइंट। अगर दिल्ली कैपिटल्स 18 पॉइंट हासिल करने में कामयाब होती है तो फिर इस टीम के टोटल 18 पॉइंट हो जाएंगे, जिससे ये टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स को किसी एक भी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो फिर ये टीम जो है वो नेट रन रेट के पचड़े में फंस जाएगी, यानी कि अगर ये टीम जीत हासिल करती भी है तो इसके बाद इसे बड़ी जीतें चाहिए, यानी कि ज्यादा विकेट से, ज्यादा रन से विक्ट्री की खोज ऋषभ पंत की टीम को करना होगा। लेकिन आइए नजर दौड़ाते हैं कि अगले 5 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के किन टीमों के खिलाफ है। अगर बात की जाए तो दिल्ली को अब अपना अगला मुकाबला मुंबई के खिलाफ अपने घर पर खेलना है। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, फिर आरसीबी और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स। कोई भी टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने कमजोर नजर नहीं आ रही, हालांकि आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जिसका परफॉर्मेंस लगातार डिप हुआ है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस भी अपनी अंदरूनी कलह से गुजर रही है। ऐसे में अगर इन दो टीम और इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसे मजबूत टीमों को भी अगर ये टीम दिल्ली कैपिटल्स हरा पाती है तभी ये टीम प्लेऑफ्स के लिए आराम से क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर किसी एक टीम से भी ये इस टीम को यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को अगर शिकस्त मिलती है तो फिर ऋषभ पंत का प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने का सपना सपना ही रह जाएगा।